के कौन के हैं, तो क्यों मुसलमान आज गरीबी के दलदल में मर रहे हैं? जवाब है तो दे दो मुझे। हम तेरा पतंग काटने आए, काट भी दिए पहले से ही, अब सिर्फ हमारे पीछे रख दिया है, लेकिन अपने घर को 7 एकड़ में मंजिल बनाकर मुसलमानों का अंबानी बनाए बन गया है। खुद पसमंदा पीछे रह गया है और असदुद्दीन आगे निकल गया है। अरे मेरे सारे भाई और बहनों, सोच लो कितने सारे करोड़ों रुपयों का वक्त निकल गया है हाथों से। पसमंदे को जिस प्रकार का मदद मिलना चाहिए, कभी उसी के पास मिला नहीं। हमारे मोदी सरकार के यहाँ कितनी योजनाएं बने हैं, सारा देश को योजनाएं मिले हैं, लेकिन इस लोकसभा पार्लियामेंट में मोदी भाई का 1 रुपए भी आने नहीं दिए ये लोग। इस प्रकार के लोग ये पार्लियामेंट वाले, क्या ये लोग बंटवारा करते हैं मजहब के नाम पर? कभी सोचे नहीं रिक्शा वाले के घर में अनाज है या नहीं? कभी सोचे नहीं ऑटो वाले के घर में वो फाइनेंस भर पा रहा या नहीं? कभी सोचे नहीं 14 साल की उम्र में लड़की का शादी क्यों हो रहा है? कभी सोचे नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देने के बाद औरत का जीवन कहाँ गिर जाता है और कैसी मरती है वो? कभी सोचे नहीं 8-9 बच्चे पैदा करने वाली औरत का शरीर कितना दिन ब दिन मरते जीते जीती है वो? कभी सोचे नहीं उन बच्चों के बारे में जो साइकिल से पंचर मारते रहते हैं, मैकेनिक के शॉप पे रहते हैं? इनकी जीवन ऐसी शुरुआत हो रही थी, अंत हो रही है, लेकिन इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं रहता है। इनके पास 5 साल काम करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनके पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं रहता है। इनके पास सिर्फ मजहब का नाम के अलावा और बीफ काट के खाने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या एक मुसलमान की जिंदगी में इसके अलावा मुद्दा नहीं है? क्या एक मुसलमान की जिंदगी में ऊपर रहना नहीं है? क्या इनके जीवन में पढ़ाई लिखाई करना नहीं है? तो पूछती मैं आपसे, उत्तर प्रदेश में 2 पसमंदे मुसलमान को मिनिस्ट्री दिया गया है, ये लोग बीआरएस के चेला बनते हैं, ये लोग कांग्रेस के चेला बनते हैं, क्यों नहीं यहाँ मुसलमान पसमंदा मिनिस्टर नहीं बन रहा है? मैं सवाल करती हूँ, अगर तुम इलेक्शन में हमारा जीत देखना है, हम उस हर पसमंदा के साथ तैरेंगे, हर उस हिंदू भाई के साथ तैरेंगे। आज पहली बार बता रहे हैं, हम इन 5 सालों में हम इंडस्ट्रीज लेके आएंगे यहाँ पर, इन 5 सालों में हम आईटी कंपनी लेके आएंगे इधर, 40 सालों में यहाँ पे आईटी कंपनी क्यों नहीं आया? इनके दंगे फसादों के वजह से डरते आईटी कंपनी वाले इधर आने के लिए। खत्म कर देंगे इसको। मोदी भाई का जो बात है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, हम सब मिलकर इसी हफ्ते बाद लोकसभा पार्लियामेंट को दुनिया में नंबर 1 पार्लियामेंट लोकसभा पार्लियामेंट बना के दिखाएंगे। यहाँ का हुनर कहीं पे भी नहीं है। लक बैंगल लक चूड़ी बनाने वाले औरतों के आंख चले जाते हैं, इसके बारे में सोचने वाला नहीं है। इसको पर्ल सिटी कहते हैं, मोतियों का सिटी कहा गया। मेरा मोती कारीगर करने वाले भाई बहन, यहाँ पे जर्दों से काम होता है, कहाँ गए जर्दों से काम करने वाले मेरे भाई बहन? यहाँ पे कोई हुनर को भी ऊपर लेके नहीं आने देते। यहाँ जो घड़े बनाते हैं, बोनालू बनता है, कहा गया मेरे भाई? यहाँ जो सुनार है, देश के सबसे अव्वल कदम के सुनारी काम करते हैं, कहा गए मेरे भाई? बंगाल से आए हुए भाई है, वो दल दल में मरते मेरे बंगाल के भाई जो यहाँ पे सुनार का काम करते हैं, या मुसलमान भी करते हैं। यहाँ कोई मजहब नहीं है, या प्यार से रहना चाहता है सभी, अमन के साथ रहना चाहता है सभी, शांति के साथ रहना चाहता है सभी, लेकिन जिस दिन याद रखिए हम सब एक हो जाएंगे। इसी बात का डर है असदुद्दीन को और अकबरुद्दीन को, इसीलिए वो शांति लेके नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका वोट बैंक अशांति के बलबूते है, इनका वोट बैंक दरार के बलबूते पे है। ब्रिटिश में इंग्लैंड में पढ़ के आए तो बैरिस्टर साहब को
इससे अच्छा क्या मिलता है बताइए, इंतजार के अलावा वो कुछ जानते ही नहीं। आगे जाने नहीं देंगे। जय बोलो भारत माता के। अब की बार और ये हैदराबाद से चार भारत माता की। भारत माता की। मन ओक मुख्य अतिथि गौरवनीय केंद्र मंत्रिवर्य मन युवजन नायक अनेक उद्यम जम्मू नीचे काश्मीर वरक सेव काश्मीर उद्यमा गौरवनीय अनुराग सिंग ठाकूर गारिनी मन उद्देश्य माता को भारत माता की। तो माफी लता जी को जिताने आए, कमल का फूल खिलाने मेरे तरफ बोले भारत माता की। उठा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। दुकान के नीचे खड़े वो भी शर्ट के नीचे बाहर खड़े सब लोग हाथ उठाकर दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, मैं बोलूंगा ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। माधवी लता का नाम इतना गूंजना चाहिए कि हर घर घर गली गली जाए, ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। मेरी बहनें सामने खड़ी है पगड़ी पहन के, आप सब लोग भी मेरे साथ बोलेंगे ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। ओबीसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। ओबीसी है लापता जब से आई। मेरे भाई और बहनों, में आप सबके बीच में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार माधवी लता जी, जिन्होंने अपनी सुख चैन आराम की जिंदगी छोड़कर हैदराबाद के लोगों की जिंदगी सुधारने का जिम्मा लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में। एक ऐसी नेता जिसके पिछले 15 दिनों में देश के कोने कोने में लाखों प्रशंसक हैं, चाहते हैं, और देश के कोने कोने में एक ही बात गूंज रही है, हैदराबाद में इस बार कमल का फूल खिलेगा और माधवी लता जी हमारी सांसद बन के वहां पर जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, हम सबको ये भी पता है, अगर भाग्य नगर का भाग्य बदलना है तो कमल का फूल खिलाकर माधवी लता जी को सांसद बनाना। हम भाग्य नगर को बदलेंगे, हैदराबाद का भाग्य बदलेंगे। यही नहीं, मैं तो वो कहना चाहता हूं जो कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, और कांग्रेस और उनका एक ही एजेंडा था
कांग्रेस और ओबीसी का एक ही एजेंडा है, काट दे रहो। अरे अब तो पतंग काटने का टाइम आ गया मेरे भाई और बहनों, काट दो। 40 साल तक जिन्होंने जबरन यहां पर राज किया, गरीब को आगे नहीं बढ़ना दिया, पसमंदा को उसका हक नहीं मिलने दिया, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पाकियों के साथ अत्याचार अन्याय होता रहा। क्या मिला हैदराबाद को एक परिवार को 40 साल से ज्यादा सांसद बनाने के लिए, बार बार उनको सत्ता का हिस्सा बनाने के लिए? अरे जो फर्जी वोटों पर अपनी जिंदगी जीते थे, आज फर्जी वोटों का जिन बोतल में बंद हो गया है, जो फर्जी वोटों के दम पर जीते थे, आज उनकी भी जमानत जब्त होने का समय आ गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाई ओबीसी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी ओबीसी की बीटी है या ओबीसी राहुल गांधी की बीटी है? सवाल जनता ये पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जो ओबीसी साहब अपने आप को बड़ा बैरिस्टर कहते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए पीछे क्यों रहे? ना महिलाओं को सुरक्षा, ना महिलाओं को जब रिजर्वेशन मिलने का समय आया 33% आरक्षण, तब ओबीसी जी ने साथ क्यों नहीं दिया? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। क्यों इनकी बोलती बंद हो गई? क्योंकि मर्दान की इनके लिए यही है कि महिलाओं का विरोध करो और महिलाओं के आरक्षण का विरोध करो। अगर यही मर्दान की